देहरादून में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मेरी माटी मेरा देश के तहत प्रदेश स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 30 अक्टूबर को प्रदेश भर के सभी कलश को देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा। इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में अमृत वाटिका का शिलान्यास करेंगे, जिसमें भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज गांव-गांव के शहीदों के आंगन से जो मिट्टी एकत्र हुई थी विकासखंड स्तर पर, आज सभी विकासखंडों से, नगर निकायों से वो मिट्टी प्रदेश के मुख्यालय पर आ रही है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और 30 तारीख को प्रदेश से यह मिट्टी दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी और 31 तारीख को कर्तव्य पथ पर पूरे देश भर से जो ऐसे शहीदों के आंगन की मिट्टी एकत्र होकर के दिल्ली में आ रही है, कर्तव्य पथ पर वो सभी लोग जो है माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी अगुवाई करेंगे और वहाँ पर अमृत वन की स्थापना प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगी। और जिन वीरों ने देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है, देश की सेवा में, देश की रक्षा में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन सभी के आंगन की मिट्टी एकत्र करने का कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत हुआ और 31 तारीख को दिल्ली में